फिल्म की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनका कुछ दिन पहले ही बच्चा पैदा हुआ था, मगर किसी वजह से दोनों ही काफी परेशान घबराए हुए थे और अपने घर के सारे आईनों को वो तोड़ रहे थे। बच्चे की मम अपने बच्चे को झूले में डालकर बाहर किसी काम से चली जाती है, जिसके बाद हम बड़ा ही अजीब सीन देखते हैं। झूले के पास से एक बेबी मॉन्स्टर निकलता है जो उस बच्चे के चेहरे पर हल्का सा कट लगा देता है, जिससे उसका खून निकलने लगता है। उधर जब बच्चे के डैड आखिरी शीशे को तोड़ने जाते हैं तो उसे नहीं तोड़ पाते क्योंकि और शीशे में से एक चुड़ैल बाहर आकर उसे जान से मार डालती है। बच्चे की मम जब वापस आती है तो ये देखकर काफी घबरा जाती है कि उसका बच्चा भी अब नहीं रहा, वो भी मर चुका है। उसका जिस्म नीला पड़ गया था जो देखने से लग रहा था कि इसे मरे हुए जिसे काफी दिन हो गए हैं। अब ये चुड़ैल जैसे अचानक आई थी वैसे ही गायब भी हो जाती है, जिसके बारे में समझना काफी मुश्किल था। खैर, अब कुछ वक्त के बाद हम दोबारा से एक कपल को देखते हैं जिनका भी कुछ वक्त पहले ही एक बच्चा हुआ था। इनमें औरत का नाम रेचल था। ये लोग एक नई जगह पर रहने के लिए आए थे। वो लोग अपना सामान अभी रख ही रहे थे कि इसी वक्त उनके लिए एक पार्सल आता है। ये पार्सल रेचल की मोम ने भेजा था, जिसमें कुछ डब्बे और खिलौने थे जो रेचल की बहन और उसके बच्चे के थे। रेचल की बहन और कोई नहीं बल्कि वही औरत थी जिसे हमने शुरुआत में देखा था, और उसी के बच्चे और हस्बैंड के साथ सब हुआ था, यानी चुड़ैल और बेबी मॉन्स्टर ने उन्हें मार दिया। अब उनके साथ हुआ क्या था ये तो हम जानते हैं, मगर क्यों, इस सवाल का जवाब हमें कहानी में आगे जाकर मिलेगा। सामान को देखकर रेचल खुश नहीं होती, ये सोचकर कि मेरी मॉम ने मेरे बच्चे के लिए पुराना सामान भेज दिया और उस बच्चे के खिलौने जो मर चुका है। इस पर उसका हस्बैंड कहता है जो तुम्हारी बहन के साथ हुआ वो एक हादसा था, और अब अगर हम उन चीजों को वहम ना बनाए तो भी अच्छा है। इन चीजों में एक किताब भी थी जिसमें एक दूसरी जुबान में कुछ लाइन लिखी हुई थी, कुछ तस्वीरें थी और एक धुन भी बनी हुई थी। अब रेचल को तो ये जुबान समझ नहीं आती थी, मगर उसके हस्बैंड को थोड़ी बहुत आती थी, इसीलिए वो किताब को चेक करके बताता है कि ये जो लाइंस और धुन है ये ललाबाई है, एक लोरी है। अब रेचल उसे गुनगुनाने लगती है, मगर एक कॉल की वजह से वो चुप हो जाती है और किताब को बंद कर देती है। अब कुछ दिन ऐसे गुजर जाते हैं, उनका बच्चा बाकी बच्चों की तरह हमेशा रोता रहता है, सोता भी नहीं है, इसलिए दोनों काफी परेशान हो गए थे, परेशान भी क्या थक गए थे, ये सोचकर कि बच्चों को पालना आसान नहीं होता। दोनों ही अपने अपने काम से छुट्टी लेकर अपने बच्चे का ख्याल रख रही थी। रेचल एक बिजनेसमैन थी जबकि उसका हस्बैंड एक आर्टिस्ट होता है। आज उसकी आर्ट्स उसकी कला की एग्जीबिशन थी, यानी उसकी नुमाइश हो रही थी, इसीलिए उसका हस्बैंड काम पर चला जाता है और रेचल अकेली उसका ख्याल रखती है। वो उसे चुप करवाकर शांत करके सुलाने की कोशिश करती है, मगर वो सोता ही नहीं। फिर जब वो उसके लिए बेडशीट निकाल रही थी तो उसे वही किताब मिलती है जिसमें वो लोरी लिखी गई थी। उसे अब जैसे रेचल गुनगुनाती है तो उसका बच्चा अब बड़े ही आराम से सो जाता है। पर ठीक इसी वक्त पर हम देखते हैं कि घर की एक शीशे पर दरारें पड़ रही है जो काफी अजीब था। रात को जब उसका हस्बैंड काम से लौटता है तो रेचल उसे बताती है कि मैंने बेबी को ललाबाई लोरी सुनाई और वो बड़े आराम से सो गया, जिससे वो भी काफी खुश हो जाता है। इसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। जिनके पास में बेबी स्क्रीन रखी हुई थी जो उनके बच्चे के कमरे की थी, जहाँ तभी अचानक एक चुड़ैल झूले के पास से निकलकर उसके पास आने लगती है। रेचल को महसूस होने लगता है कि बच्चे के कमरे में कोई है, इसलिए वो फौरन उसके कमरे में जाती है, पर वहाँ पर तो कोई भी नहीं होता। लेकिन अलमारी का दरवाजा खुला हुआ था जिसे चेक करने पर उसके अंदर भी कुछ नहीं होता। रेचल जब बेबी स्क्रीन को देखती है तो उसे लगता है कि शायद ये खराब हो गया, इसलिए वो उसे कचरे में फेंक देती है। बाहर जब वो आ रही थी तो उसे हर जगह हलचल होती हुई महसूस होती है। वो पूरे घर को चेक करती है पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। वो फिर जब शीशे में खुद को देख रही थी तो हम उसके पीछे चुड़ैल को भी देख पाते हैं जो उस पर नजर रख रही थी, पर रेचल उसे नहीं देख पाती। इसके अलावा उस टूटे हुए शीशे पर और भी दरारे आने लगती है। उसका हस्बैंड जब नहा रहा था तो रेचल उसके पास आती है, पर तभी उसे आईने में वही चुड़ैल दिखती है जिससे वो काफी डर जाता है और उसे साइड पर धक्का देता है। इस चीज से रेचल काफी नाराज हो गई थी। इसके बाद वो जाती है नई बेबी स्क्रीन लेने के लिए, जहाँ वे उसे अचानक अंधेरा दिखता है, जिसके साथ साथ वो चुड़ैल भी जो उसे डरा रही थी, जिसे देख रेचल बहुत ही ज्यादा डर जाती है, जिसका मतलब था कि इनके घर में जरूर कोई अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो गई है जो सिर्फ घर पर ही नहीं बल्कि बाहर भी हो रही है। अब वो जो चुड़ैल थी वो शीशे के अंदर से ही रेचल और उसके बच्चे पर नजर रख रही थी और दरारें भी उस पर बढ़ती ही जा रही थी। अब रेचल को अपने बच्चे के कमरे से उसके रोने की आवाजें आने लगती है, मगर हैरत वो तो उसके पास ही था, इसीलिए घबराते हुए वो उसका कमरा चेक करने जाती है, जहाँ झूले में एक और बच्चा रो रहा था। वो जैसे कंबल हटाती है तो वहाँ कोई बच्चा नहीं बल्कि खिलौना था। वो इन सब चीजों से काफी डर गई थी और आस पास के दरवाजे भी क्योंकि अपने आप ही खुल रहे थे बंद हो रहे थे, तो वो घर से बाहर जाकर बैठ जाती है। फिर उसका हस्बैंड जब घर आता है तो वो उसे भी बताती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, शायद घर के अंदर कोई है। तो अब एक रॉड लेकर
अंदर जाकर वो चेक करने लगता है, पर उसे भी वहाँ कोई नहीं दिखता। पर हड़बड़ी में उसका तोता अपने पिंजरे से बाहर आकर वहाँ उड़ने लगता है और गलती से वो उस तोते को मार देता है। अब ये तोता बचपन से उसके साथ था, इसीलिए वो काफी दुखी हो गया था। जहाँ तभी आकर रेचल उसे संभालती है। वो उसे कहती है कि शायद इस सब में मेरी गलती है, मैं अभी अपनी बहन की तरह पागल हो रही हूँ। जिस पर वो उसे समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी बहन तो पूरी ही पागल हो गई थी जिसने हफ्तों तक अपने बच्चे की लाश को ढक कर रखा। तुम तो उसके जैसे बिल्कुल भी नहीं हो, तो मत घबराओ। अब वो बताती है कि मुझे कोई चुड़ैल जैसी औरत दिखती है जो मुझे डराती है। जिस पर उसका हस्बैंड उसी किताब में रेचल को एक औरत दिखाता है और पूछता है कि क्या यही वो औरत है, क्योंकि ये मुझे भी दिखी थी जब मैं नहा रहा था। और ये किताब वाली औरत और कोई नहीं बल्कि वही चुड़ैल थी। दोनों ही काफी टेंशन में आ जाते हैं, पर किसी तरह खुद को संभालते हुए वो ये फैसला करते हैं कि ये जो कुछ भी है हम इसे साथ ही झेलेंगे और मिलकर ही इसका खात्मा करेंगे। अब रात को रेचल के हस्बैंड को अपने बच्चे के रोने की आवाज़ बाहर से आती है, जबकि वो तो उनके साथ ही सोया हुआ था। तब वो नींद में उठकर अपने बच्चे को चुप करवाने के लिए चला जाता है और घर से बाहर उस जगह पर आ जाता है जहाँ इन्होंने किताब को फेंका था। दरअसल रोने की आवाज़ इसी किताब में से आ रही थी जो उन लोगों को अपने पास बुलाना चाहती थी। और अब उसका हस्बैंड किताब को लेकर वापिस आ जाता है। सुबह जब रेचल सो रही थी तो उसके पास उसका बच्चा भी था जो अचानक से ही गायब हो जाता है। बच्चे की आवाज़ चादर के अंदर से आ रही थी, इसीलिए वो अंदर ही अपने बच्चे को ढूंढने लगती है। जहाँ उसे अपना बच्चा मिल तो जाता है मगर मरा हुआ, जो देख वो काफी घबरा गई थी, जबकि असल में उसका बच्चा बिल्कुल ठीक था जिसे देखकर उसकी जान में जान आती है। अगले दिन उसका हस्बैंड अपने बच्चे को लेकर चला जाता है क्योंकि आज रेचल ने किसी जरूरी काम से जाना था। रेचल का हस्बैंड अब एक चर्च में जाता है जहाँ आकर उसकी मुलाकात एक प्रीस्ट से होती है, जबकि दूसरी तरफ हम रेचल को एक मेंटल हॉस्पिटल में जाता हुआ देखते हैं जहाँ उसकी बहन थी। रेचल का हस्बैंड उस प्रीस्ट को सब कुछ बताता है जिन चीजों का उन्हें सामना करना पड़ रहा था, और वो किसी एक्सोर्सिस्ट के बारे में पूछता है जो भूत प्रेत को कंट्रोल करने के माहिर होते हैं ताकि उन्हें कोई मदद मिल सके। ये सारी बातें सुनकर प्रीस्ट उसे कहती है कि बिल्कुल यही सब रेचल की बहन भी पूछती हुई आई थी, और अब वो उस किताब को देखकर उसके बारे में बताने लगती है। उधर रेचल भी अपनी बहन को सब कुछ बता देती है, जो सुनकर वो कहती है कि क्या तुमने वो ललाबाई लोरी तो नहीं गाई, जिस पर रेचल हाँ में जवाब देती है। जो सुन उसकी बहन डर जाती है और कहती है कि मैंने वो सारा सामान लॉक करके रख दिया था ताकि वो किसी को भी ना मिल सके, मगर वो तुम तक आ गया है, लोरी भी तुमने गा ली है तो अब बहुत बुरा होगा। और अब रेचल की बहन और प्रीस्ट उस किताब के बारे में बताने लगते हैं, तो यहाँ अब सामने आएगी उस चुड़ैल और लोरी की कहानी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया बनने से पहले गॉड ने सबसे पहले एडम और ईव को बनाया था, पर अक्सर लोगों का कहना है कि उनसे पहले गॉड ने एक औरत को बनाया था जिसका नाम लिलिथ था जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। अब एडम ने एक खास किस्म की लोरी बनाई जो सुनकर लिलिथ हमेशा उनके पास आ जाया करती थी। लिलिथ उनके साथ रहना चाहती थी मगर ईव की वजह से वो उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, और लिलिथ की इसी गलती की वजह से उसे उस जगह से निकालकर जंगल में छोड़ दिया गया, जिसके बाद वो जंगलों में भटकती रही और वुल्फ्स भेड़ियों के साथ रहने लगी, जिसके बाद उसने जन्म दी डी फॉर्म बच्ची जो किसी भी तरह इंसान नहीं दिखती थी। वो नॉर्मल नहीं थी क्योंकि वो बस थोड़े बहुत इंसान थी, बाकी वुल्फ जैसी थी। फिर जब एडम और ईव की बच्ची पैदा हुए तो क्योंकि वो इंसान और प्यारे भी थे तो उनके बच्चों से लिलिथ को जलन होने लगी, इसीलिए उसने उनके बच्चे चुराना शुरू कर दिए, जिसके बाद नस्ल दर नस्ल यही चलता रहा। और इस नस्ल में कोई खास किस्म के बच्चे नहीं थे बल्कि पूरी इंसानी नस्ल के बच्चे थे जो कि एडम और ईव से पैदा हुए थे। ऐसा होने की वजह से एडम ने गॉड से दुआ मांगी, इसलिए गॉड ने लिलिथ को उठाकर एक खतरनाक दुनिया में फेंक दिया। अब रही बात ललाबाई यानी लोरी की, तो ये लफ्ज तो आया ही लिलिथ से बचने के लिए, मतलब कि ये एक ऐसी लोरी थी जो लिलिथ से बच्चों को दूर रखती। मॉम सी लोरी गाकर अपने बच्चों को लिलिथ से बचाती, पर वो क्योंकि काफी चालाक थी इसीलिए यहाँ उसने एक चाल चल दी। उसने वही एडम की खास लोरी उठाई और उसमें कुछ ऐसे बदलाव किए जिसे पढ़ने से वो दोबारा से जाग जाएगी, वापिस आ जाएगी। और यही वजह है कि इस ललाबाई लोरी के जरिए आज भी वो बच्चों को ले जाने में कामयाब रहती है जब कोई उसे गाता है। उसकी बहन कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा सकती हूँ, बस मुझे यहाँ से निकालो, जिसके लिए रेचल मान जाती है। उधर रेचल का हस्बैंड उस प्रीस्ट से मदद मांगता है, जिस पर वो कहती है कि ये सिर्फ कहानियाँ हैं, झूठी दास्तान है, सच नहीं है, तो इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी और तुम भी रिलैक्स हो जाओ। जो सुनकर गुस्से में उसका हस्बैंड यहाँ से चला जाता है। घर आकर वो देखता है कि बाथरूम की सारी टैब्स टूंटियाँ खुली हुई है जिनमें से पानी आ रहा था, तो वो अपने बच्चे को कमरे में छोड़कर उन्हें बंद करने वॉशरूम में चला जाता है, जहाँ तभी दरवाजा
दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। बाहर उसका बच्चा अकेला था, जहाँ तभी उसके पास बेबी मॉन्स्टर आता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि लिलित के बच्चे हैं। और शुरुआत में भी झूले के पास हमने जिस बेबी मॉन्स्टर को देखा था, जिसने बच्चे के चेहरे पर कट लगाया था, वो भी और कोई नहीं बल्कि लिलित का ही बच्चा था, क्योंकि ये भी दरअसल इंसान के बच्चों को पसंद नहीं करते थे। और वो रेचल के बच्चे के सामने शीशे का एक बर्तन तोड़ देती है, जिससे बच्चे के सामने ढेर सारा कांच बिखर जाता है, जिससे कि उसे किसी भी वक्त लग सकता था। उधर बाथरूम में रेचल के हस्बैंड को भी लिलित की झलक दिखाई देती है। बच्चा कांच के टुकड़े से अपना हाथ जख्मी करने ही वाला था कि तभी यहाँ रेचल आकर उसे ऐसा करने से रोक लेती है। उसके साथ उसकी बहन भी थी, जिसे देख उसका हस्बैंड पूछता है कि तुम इसे यहाँ क्यों लाई हो, जिस पर वो कहती है कि ये हमारी मदद कर सकती है, पर क्योंकि वो तो उसे पागल समझता था तो उसे ये चीज ठीक नहीं लगती। रेचल की बहन बताती है कि लिलित पहले मेरे बच्चे को ले गई और फिर मेरे हस्बैंड को भी उसने मार डाला था, तो अब हमें कैसे भी करके तुम्हारे बच्चे को बचाना है। उस पर हर वक्त नजर रखी जाए और शीशों को ढक कर रखा जाए, और जब भी हम लिलित को देखें तो फौरन हम वहाँ से भाग जाएं, क्योंकि शीशे के जरिए ही वो नजर रखती है और वहाँ से ही आती जाती है, क्योंकि वो उसका रास्ता है अपनी दुनिया से यहाँ आने का। रेचल के हस्बैंड के पास एक आदमी की कॉल आती है, जो उसे बताता है कि मैं सीनियर प्रीस्ट हूँ, मेरे पास तुम्हारी एक किताब आई है, और जिस प्रीस्ट के पास तुम गई थी उसने मुझे बताया है कि तुम्हें मदद चाहिए, तो तुम बताए हुए घर के पते पर फौरन आ जाओ। तो वो ऐसा ही करता है, उस घर के लिए फौरन निकल जाता है। अब घर में रेचल और उसकी बहनी बच्चे का ख्याल रख रही थी, जहाँ रेचल उसे कहती है कि मुझे लगता है मैं एक अच्छी माँ नहीं बन सकती, जो सुनकर उसकी बहन समझाती है कि ऐसा मत सोचो, ये सब तुम्हारे दिमाग में लिलित ने डाला है, ये उसकी चाल है, क्योंकि ऐसा करके वो तुम्हारे भरोसे को तोड़ना चाहती है, जिसके बाद वो आसानी से तुम्हारे बच्चे को ले जाएगी, तो इसीलिए तुम्हें हिम्मत और भरोसा रखना होगा। रेचल का हस्बैंड दिए हुए पते पर पहुँच कर सीनियर प्रीस्ट से मिलता है, जो किताब चेक करके उसे बताती है कि इसमें जो लोरी लिखी है वो किसी ने गाई है, जिस पर वो कहता है कि हाँ मेरी वाइफ रेचल ने गाई थी, जिसके जवाब में प्रीस्ट कहते हैं कि इस वजह से अब तुम्हारा बच्चा लिलित की नजर में है, तो सबसे पहले तुम्हें अपने बच्चे को लिलित से बचाना है। और हाँ, वो बच्चे को सीधा डायरेक्ट आकर नहीं ले जाती, उसे नहीं मारती, बल्कि उसका प्रोसेस किसी रिचुअल जादू की तरह होता है, जिसे पूरा करके ही वो बच्चे तक पहुँच सकती है। इस रिचुअल में 3 स्टेप्स होते हैं, जिनके पूरा होते ही इस दुनिया का दरवाजा खुलता है और वो आ जाती है। पहला स्टेप था उस लोरी को गाना, फिर दूसरा घर में किसी जानवर परिंदे का खून बहना, जिस पर फौरन रेचल का हस्बैंड कहते हैं कि हाँ मेरे तोते का खून बहा था, वो मर गया है, जिसका मतलब था कि अब आखिरी 3rd स्टेप ही बचा है रिचुअल पूरा होने में, और वो है उनकी बच्ची का एक बूंद खून बहना। जब ऐसा होगा तो लिलित उसे लेने आ जाएगी, यानी कि शुरुआत वाले बच्चे को जो कट लगा था उसके खून बहने की वजह से लिलित उसे ले जा पाई थी, और ये सब और कोई नहीं बल्कि लिलित के बच्चे करते हैं। और उन्होंने रेचल के बच्चे के सामने भी ग्लास का बर्तन इसीलिए तोड़ा था ताकि उसका खून बहे और रिचुअल पूरा होते ही लिलित आकर उसे ले जाए। अब प्रीस्ट उसे कुछ खास किस्म की मोमबत्तियाँ और एक दुआ लिखकर देते हैं, साथ में ये भी कहते हैं कि तुम्हें पूरे यकीन भरोसे से इस दुआ को पढ़ना होगा, क्योंकि लिलित बेशक ताकतवर है पर भरोसे की आगे नहीं। इसके बाद उसका हस्बैंड वहाँ से जाने के लिए निकल जाता है, जबकि प्रीस्ट उस किताब को अपने पास ही रख लेते हैं, क्योंकि ये किताब दुनिया के लिए खतरनाक है। उधर लिलित के बच्चे रेचल के बच्चे के पास आ रहे थे उस पर हल्का सा कट लगाने के लिए, पर तभी रेचल की आँख खुल गई थी तो वो बच्चे को अपने गोद में उठा लेती है। अब तभी उसके पास रेचल की बहन आती है, कहती है तुम थोड़ा आराम कर लो, तब तक इसे मैं संभालती हूँ। लेकिन यहाँ पर हमें उसकी बहन के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, क्योंकि वो शीशे पर से कपड़ा हटा देती है, जो उसे नहीं करना चाहिए था। साथ ही बच्चे को सुई भी चुबाती है, जिससे उसका खून निकल जाता है, जिसके बाद वो लोरी गाने लगती है, जो सुनकर रेचल काफी हैरान हो जाती है और उसे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, जिस पर उसकी बहन बताती है कि मेरा बच्चा अभी भी जिंदा है, जो दूसरी दुनिया में लिलित के पास है, और मैं उसे वापस लाना चाहती हूँ। जब लिलित आएगी तो तुम्हारे बच्चे को ले जाकर वो मेरा बच्चा मुझे वापस लौटा देगी, और हाँ मैंने ही वो किताब सामान में रखकर तुम्हारे पास भेजी थी। जब से तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ था मैं इसी वक्त का इंतजार कर रही थी, जिससे साफ जाहिर था कि उसकी बहन ही उसकी दुश्मन बन गई, यानी कि ये भी एक जलन ही थी। रेचल को अपनी बहन का ये रूप देखकर बहुत गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो उस पर हमला कर देती है। उनकी हत्यापाई हो रही थी कि इसी बीच लिलित आकर रेचल के बच्चे को अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद रेचल के पीछे उसकी बहन आकर उसे शीशे में खींचकर ले जाती है, जो दरअसल उसे लिलित की दुनिया में ले आई थी। उधर जब उसका हस्बैंड घर आ रहा था तो लिलित उस पर भी हमला कर देती है, पर वो जैसी तैसी करके बच जाता है। अंदर जब वो आता है तो उसे शीशे में रेचल दिखती है, जो अगले ही पल गायब हो गई थी। इसीलिए वो सारी मोमबत्तियों को जलाकर सारे शीशों को चेक करने लगता है। लिलित की दुनिया में उसकी बच्ची रेचल पर हमला कर देती है, पर वो जैसी तैसी उनसे बच जाती है। जी हाँ, तभी उसके पास उसकी बहन आकर कहती है कि अपने बच्चे को बुलाओ, पूरा यकीन
टीम से, क्योंकि ऐसा करके ही हम उसे ढूंढ पाएंगे और दोनों बच्चों को बचा पाएंगे। अब रेचल जैसे अपने बच्चे का नाम लेती है तो उसे उसकी आवाज भी आने लगती है, जिसका वो पीछा करने लगती है। लिलिथ फिर रेचल के हस्बैंड पर हमला करने के लिए आती है और उन मोमबत्तियों को भी पहुँचा देती है, मगर जब वो दुआएं पढ़ने लगता है वो भी पूरे यकीन के साथ, तो मोमबत्तियाँ दोबारा से जल जाती है, जिस वजह से लिलिथ वहाँ से चली जाती है। उधर रेचल एक कमरे में जाती है जहाँ उसे अपना बच्चा भी मिल जाता है, पर तभी इधर लिलिथ आकर उस पर हमला करके बच्चे को उससे छीन लेती है। उसकी बहन भी वहाँ आ चुकी थी जो लिलिथ पर हमला करके बच्चा लेती है और रेचल के हाथ में देकर कहती है कि जल्दी करो, भाग जाओ यहाँ से। खुद वो लिलिथ को रोकने में लग जाती है, पर अपनी खतरनाक लोरी को सुनाकर लिलिथ उसे भी मार डालती है। उधर जब रेचल भाग रही थी तो सारे शीशे टूटने लगती है, जिनसे बचने के लिए रेचल अब और भी तेज भागने लगती है। यहाँ उसकी मदद कर रही थी उसके हस्बैंड की दुआ करने की आवाजें, और अब इससे पहले उसके घर का भी शीशा टूटता वो पहले ही उसे पार करके वापस आ जाती है। अब लिलिथ भी उन पर हमला करने के लिए आईने से बाहर आने लगती है, पर अब वो दोनों मिलकर एक साथ दुआ को दोहराने लगती है और उसे इस दुनिया में आने से रोक देती है। इसके बाद लगता है कि सब कुछ शांत हो गया था, ठीक था, पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि रेचल की बहन ने अपने बच्चे को उसके बच्चे से बदल दिया था। मतलब कि रेचल जिस बच्चे को बचा कर लाई थी वो उसका नहीं था बल्कि उसकी बहन का था, और जब वो बच्चा चेक करती है तो सच में उसकी बहन का ही था, जबकि उसका अपना बच्चा तो अभी भी लिलिथ की दुनिया में उसके पास था, जो देखकर वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। और अब यहाँ उसकी बहन का मकसद तो पूरा हो गया था, वो सिर्फ अपने बच्चे को ही बचाना चाहती थी, जिसका मतलब साफ था कि वो सच में ही पागल हो गई थी। बेशक खुद भी वो एक माँ थी, पर उसने इस बात का रियाज नहीं रखा कि उसकी बहन भी एक बच्चे की माँ है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेचल का हस्बैंड उस किताब को चुरा कर रेचल के पास ले आता है, क्योंकि अब ये दोनों अपने बच्चे को वापस लाने के लिए लिलिथ की दुनिया में जाना चाहते थे। पर अब उनका सामना सिर्फ लिलिथ से ही नहीं बल्कि किसी और से भी होगा, और वो थी वहाँ बनने वाली एक नई चुड़ैल, जो और कोई नहीं बल्कि रेचल की बहन थी। जी हाँ, और अब उसके पास ही रेचल का बच्चा है, जिसका मतलब था कि अब चीजें पहले से भी कई भयानक और खतरनाक होने वाली है। और बस इसी ड्रावनी एंडिंग के साथ ही ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।